सो हाँ जी, किदा की हाल चाल? वैसे हाल चाल लोगों के खराब होए पे वे हैड सुन के, होने भी चाहिए क्योंकि सच ते देसी घ्यो बहुत पचदा नहीं। सो वीडियो स्टार्ट करने तो पहला, जे तुहाडे चो किसी ने मेरा पुराना ब्रदर जी चैनल देखा सी जिहदे ते स्ट्राइकां वज गईआं सी, ओह डिलीट हो चुका। सो उस चैनल ते जदों BTFU करण ओजले दी एल्बम आई सी, मैं सारे रिएक्टरां नूं इकट्ठे करके एक बहुत ही सोहना रिव्यू कीता सी फुल एल्बम दा। मे बी तुहाडे चो काफ़ी लोगों ने ओह देखिया होना। अज दी वीडियो बिल्कुल सेम होण वाली आ। अज असीं, मैं ते मेरे नाल कुछ होर रिएक्टर ने, असीं इकट्ठे मिल के रिव्यू करांगे वे अहेड दा। BTFU करण ओजले की पहली स्टूडियो एल्बम तो बाद करण ओजले नीड से कुछ इदा का म्यूजिक थ्रू आउट करे जो बिल्कुल न्यू स्कूल हो, बिल्कुल हिप हॉप हो। एंड करण ओजले की इंडस्ट्री इदा की परसनैलिटी है, बंदा गाना अनाउंस करके साइड पर भी बैठा रहना तो लोगों के वैसे ही संग सुके रहेंगे कि पतंदर पता नहीं हूँ की कूगा। मई 10th में ऑफिशियली रिलीज़ होने तो बाद वे अहेड दी स्ट्रीम्स कुछ इदा वाधिया जाए जिम्मे अपने सरकार के लारे। EP के इंट्रो में छड़ के टोटली 5 गाणियां ते 5 दे 5 गाने बिल्कुल न्यू स्कूल साउंड कर रहे हैं। एक तो बाद एक नवा सप कढ़िया पतंदर ने। फुल EP के म्यूजिक किया यह प्रूफ वीरे ने, यह प्रूफ से ओजला जो थोड़ा पता एको बीट आ फिर बीट से मचदा। सो गल करिए लिरिक्स की, यूजली अपन एक एल्बम EP या गाना बनाने की चाहिए होंगे लिरिक्स। सो इस EP में लिरिक्स के नाल क्रिएटिविटी बड़ा यूज़ किया गया, किस तरीके नाल गाने लिखे गए आ, वर्ड मोल्ड किए गए, किस तरीके नाल गाने दी कंपोजिशन तैयार हुई तो तुम सुन ही लिया। यूजली अजकल इंडस्ट्री इदा के गाने बन रहे जो आप इधरों सुनते हैं तो इधरों कर देने, बट EP में सारे गाने इदा के रखे गए जो कन तो सीधा दिल च जाते हैं, दिल तो दिमाग च, फिर सुन के कई के दिल चो प्यार निकलता कई के पिछों अग निकलती है। सो इस EP के दो आर्टिस्ट फीचर्ड आ, पहला YG तो दूसरे नंबर से एक आ। सो आप गल करते हैं पहली कलैबरेशन बारे, करण ओजला XYG। सो ये ट्रैक बिल्कुल हिप हॉप टच पंजाबी गाना, गाने की बीट सुन के एक दफा नचन नूं जी करदा, बट गाने के लिरिक्स कहिंदे आ ठहर जा पुत तैनू दसदे आं गैंगस्टा की हुंदे आ। फुल EP दे विचों मैनू तां सब तो सैक्सी जिहड़ी हुक लगी आ इसे गाने की लगी आ। यूजली आपां कलैबरेशन सुनदे आ आर्टिस्टां दी, उहदे विच कई वारी इदां फील हुंदा कि रैपर वक्खरा ही गा रहा, सिंगर वक्रे गा रहा, बट गाने नूं प्रॉपरली सोच समझ के कुक किया गया कि जिहड़ी गाने की हुक आ उह गाने नूं दो गुणा ज़्यादा बूस्ट कर रही है। सो YG ने पेड फीचरिंग की इस गाने में $1,00,000 लैके, बट मैं कहूँगा $1,00,000 बिल्कुल वर्थ इट आ, बिकॉज ये गाना बेस्ट कलैबरेशन बनता पंजाब ते हॉलीवुड दी। रूपन बाल वीरे ने बनाई सी गैंगस्टा गैंगस्टा की वीडियो, एंड मैनू लगता दी बेस्ट वीडियो आ 2022 च। मैनू नहीं लगता इदा दी कोई वीडियो पंजाबी गाने च बनी आ, बिकॉज VFX तो चलो करण ओजले दे हरेक गाने च हुंदे आ, बट जो थॉट प्रोसैस हुंदा ना यार, मे बी तुसीं एक चीज़ नोट की उन्हें कैमरा ट्रिक्स ब्रो, लिटरली इन्हें खतरनाक तरीके नाल शूट किया गया ना गाना, एक बार देख के बंदा सोचने लिए मजबूर हो जाता कि इदा की सिनेमैटोग्राफी हो भी पंजाबी इंडस्ट्री के। सो शाउट आउट टू रूपन बाल एंड दिलप्रीत VFX वीरा, यार बहुत ही सैक्सी तो बड़ा ही यूनीक कंसैप्ट हों दोनों का। सो लैट्स मूव ऑन टू अनदर 4 ट्रैक्स। हम बाकी ट्रैक्स बारे मैं नहीं बोलूँगा, मेरे नाल काफ़ी थोड़े फेवरेट फीचर कर रहे वीडियो के। सो हम आप देखते हैं रैप बॉट वीरे की क्लिप की, रैप बॉट वीरे का की रिव्यू आ वे अहेड नू लेके। वे अहेड बाय करण ओजला। सो जब से ये EP अनाउंस हुई थी, इस EP की बहुत ज़्यादा हाइप बन चुकी थी और लोगों को इंक्लूडिंग मी इस EP से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, और करण ओजला ने हमेशा की तरह हमें डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं किया। सो इस EP में 5 ट्रैक है और पांचों ट्रैक ऐसे है कि तुम बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाओगे ये चूज करने में कि तुम्हारा फेवरेट ट्रैक इस EP का कौन सा है। ओवरऑल म्यूजिक प्रोडक्शन, कंपोजिशन, फ्लो, Everything in this EP was on point. Totally loved the EP. मैं तो लूप में सुन रहा हूँ सारे गाने, और mostly गैंगस्टर और गेम ओवर जो है वो मेरे प्लेलिस्ट में टॉप पे चल रहे हैं। So shout out to करण ओजला and his whole team. They really did a good job. एंड वीरे ने पूरी EP का रिव्यू आपके चैनल से अपलोड किया, वैसे तो मैंने लगता तुम सारे जानते होंगे, जो नहीं जानते तो एक बार जरूर चैकआउट करियो। सो जो गल करिए गैंगस्टा गाने तो बाद, सारे एक गाना EP के बहुत ज्यादा पसंद आया, गाने का नाम है गेम ओवर, एंड करण ओजला बाई स्टोरी पा के दस रहा है कि उसकी वीडियो भी आ रही है। सो हम देखते हैं आकाश घूमन वीरे का की रिव्यू आ गेम ओवर गाने उत्ते। ਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੈਂਟ ਗਾਣਾ ਜੋ ਐਲਬਮ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਗੇਮ ਓਵਰ। ਠੀਕ ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਗੇਮ ਓਵਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਲਿਬਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵੋਕਲਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਓਵਰਆਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਹੀਲ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਫਸਟ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ, बट सीरियसली मैन जो लिरिक्स दो जो वर्ड्स सारा कुछ, हम नैक्सट वीडियो भी मैंने काफ़ी हद तक गेम ओवर दी फील हो रही है। तो आई थिंक गेम ओवर जो शॉर्ट करण ओजले ने
ਕਲਿੱਪ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਵਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਕੁੜੀ ਦੀ ਡਰੈਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਪ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੇਮ ਓਵਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੈਕਸੀ ਐਲਬਮ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਐਲਬਮ 'ਚ, ਐਲਬਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਵਾਂ ਸਾਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕਰਨ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਿੱਤਾ, ਬਟ ਕਰਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਰਨ ਬਾਈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਐਲਬਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਲਾਹ ਕਰਤਾ, ਆਹ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾਈਸ ਵਰਕ। ਕੁਛ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਰੈਗੂਲਰ ਵਰਕ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਵਰਕ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜੋ ਆਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਢੋਲਕੀ 'ਤੇ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਢੋਲਕੀ 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 ਟਿਕਟਿਸ਼ ਟਿਕਟਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੀਗਾ, ਅਲੱਗ ਵਰਕ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਧੀਆ ਲਿਰਿਕਸ ਸੀਗੇ, ਬਾਸ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਔਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਐਲਬਮ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਗੇਮ ਓਵਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਮੈਕਸੀਮਮ, ਆਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਗੇਮ ਓਵਰ ਗਾਣਾ ਈਪੀ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਸਟ ਹਾਈਪਡ ਗਾਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਗੇਮ ਓਵਰ ਗਾਣਾ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੇਆ ਮੈਮ ਵੈਕੀ ਟੇਲਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਵਨ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਹਰਸ ਚੈਨਲ। ਬਾਈ ਦ ਵੇ, ਵੇ ਅਹੈਡ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆਈ ਹੂੰ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੇਆ ਫਰੋਮ ਦ ਚੈਨਲ ਵੈਕੀ ਟੇਲਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੈਨਲਸ ਵੇ ਅਹੈਡ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੋ मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली हर्ष की तरफ से कि यार मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता पाऊँ। रैंक वाला वीडियो मैं बना नहीं पाई, बट हाँ यहाँ पे बात करते हैं। तो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट गाना है गेम ओवर। यार उस गाने में ना जिस तरीके के लिरिक्स हैं, जैसे जैसे एक लड़की की अगर खूबसूरती की बात करें तो बयान करिए, करण औजला जब लिरिक्स लिखते हैं तो मुझे नहीं समझ में आता कि वो कहाँ से लेके आते इतने प्यारे लिरिक्स से क्या है। तो गेम ओवर गाना मेरा अब तक का सबसे 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 ज़्यादा फेवरेट गाना है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद गैंगस्टा, पूरी ईपी एकदम कमाल की थी। मतलब बीच में कुछ ऐसे एक दो गाने आए थे ना जब करण औजला के, तो लगा था कि यार नो, दिस इज़ नॉट करण औजला। बट ये जो ईपी आई, ये सच में वे 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 अहेड है। बहुत कमाल की ईपी, बड़ा मज़ा आया सारे गाने सुन के। इनफैक्ट और रैंकिंग वाला वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी, आई टेल यू गाइस कि भाई मुझे कैसी लगी 1, 2, 3, 4 के कौन से गाने कैसे हैं। बट वे आई डी पी ने कमाल कर दिया, बड़ा मज़ा आया सुन के। ऊपर से जो म्यूज़िक था, क्या बात है, बीच में वो इक्का कर रहा है, वो म्यूज़िक जो सटीक बैठ रहा था सारे कॉम्पोजिशन के साथ, लिरिक्स के साथ, बड़ा मज़ा आया ये ईपी सुन के। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कॉमेंट्स में बता ही देना। एंड या, गेम ओवर इज़ माई फेवरेट गाना एंड द होल ईपी इज़ अमेजिंग। ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਵਿਊ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰੇਟ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਚਾਚਾ ਸਿੰਦਰੀ। ਸੋ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇ ਹੈਡ ਬਾਰੇ ਰਿਵਿਊ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਆ, ਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਟ ਬਾਈ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਵਿਊ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇ ਹੈਡ ਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਈਪੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗਾਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੇਮ ਓਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਕਸੀਕਨ ਚੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੀ ਟਿਊਨ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਈਪੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ, ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਨਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਜਿੰਮ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗੇਮ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਹੈੱਡਫੋਨ 'ਚ ਸੁਣੀ ਜੋ ਸੁਣੀ ਨਾ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਬਾਈ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆ ਈਪੀ, ਆਉਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਈਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੈਨੂਨ ਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਸੀਪੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਸਟਾਈਲ ਟਰੈਕ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਊ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਕੁਲ ਵੀਰੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਮੁਕੁਲ ਵੀਰਾ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਾ ਵੀਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਊ ਟਰੈਕ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸੈਕਸੀਸਟ ਟਰੈਕ ਆ ਈਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਰੈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਰਿਵਿਊ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘੈਂਟ ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੋ ਬ੍ਰਦਰ ਓ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈ ਹੈੱਡ ਐਲਬਮ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਂਗ ਕਿਹੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੇਮ ਓਵਰ ਸੌਂਗ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਆਲ ਸੌਂਗ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸੌਂਗ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੈਂਟ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਲਿਖਤ ਆ, ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਪ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਗ ਪਰਸਨਲੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਵਾ ਗੇਮ ਓਵਰ, ਉਹਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਬੜੇ ਘੈਂਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ
सारी एल्बम भी कैंट सी, मैं यही कहता कि एक गाना ही कैंट सी। बस वीरे ने पूछा तो मैं सोचा आप छोटी जी वीडियो बना के वीरे को घल दिए। तो बाकी वीरा बहुत वधिया काम करता वा, जो भी करन औजला जी की कोई एल्बम आउंदी आ तो उदा सारे रिएक्शन वीडियो वाले जिहड़े रिएक्शन करते भैन भरा उन्होंने कट्ठिया करके एक वीडियो बनाउंदा वा। बहुत एक घेंट काम आ, मैनू ए ओ जी का सब तो बेस्ट काम लगता वा। बाकी तुसी ओ जी वीरे का चैनल सबसक्राइब करो, वो सपोर्ट करो जी वीरे, सत श्री अकाल। क्या बात है, लव यू ब्रदर, बहुत सारा प्यार मेरे वालों तेनू एंड हमेशा अपना प्यार बनया रहे। मैं चाहना कि सारे डायरेक्टर हमेशा कट्ठे हो गए रहन, असं कट्ठे वीडियो बनाते रहिए, साढ़े चो चीज़ ना रहे जी सिंगर के एंड तुम भी सिंगर प्लीज़ ज़्यादा वंडिया ना करो, सारे एक यार की पता टेबल पर बह के कट्ठे रोटी खाते हो, तुम उन्होंने पिछले इदा ही लड़ते रहने हो। तो अगला रिव्यू आप चैक करते हैं लखविंदर सिंह टी टी भाजी का। सत श्रीकाल जी, मैं थोड़ा लखविंदर सिंह, साढ़े बड़े सत्कारयोग वीर जी साढ़े ब्रदर ओ जी, उन्होंने करण औजला जी की एल्बम से फुल रिव्यू लैके आ रहे हैं। तो उन्होंने सानू पूछना किया वीर जी ने कि तुहानू परसनली सौंग केड़ा ज़्यादा वधिया लगा उस एल्बम दे विचों। वैसे तो एल्बम सारी बहुत कैंट है क्योंकि करण औजला जी ने इस बार थोड़ा डिफरेंट म्यूजिक ते डिफरेंट तरीके दे नाल साढ़े सामने उन्होंने पेश किया है। वैसे तो सौंग सारे वधिया ने, बाकी जिहड़ा मैं ज़्यादा सौंग ज़्यादा सुन रहा वो ज़्यादा सुन रहा हाँ गैंगस्टर सौंग। उदे विच क्या बा कमाल उदा म्यूजिक है जी, बा कमाल उदा लिरिक्स ते एंडलैस है यार, बहुत प्यारा लगा। जो जो पिछे रैपर गा रहे ने वाई जी एंडलैस, बहुत सोहना लगा उन्हां दा। बाकी करण औजला जी की जी फुल एल्बम है उन्होंने अपने हर गाने दे विच लिरिक्स दे विच बहुत कमाल लिखा हुआ, खास करके उन्होंने गाने दे विच मोटिवेशनल किया है। पहली गल वो एक रब की गल भी करते हैं विच कि उस दाते की गल करते हैं, दूजी गल वो अपने माँ पिता की भी गल करते हैं, मेरे माँ प्यो दीआं असीसां दे कारण मैं इत्थों तक पहुँचिया। सो बड़ी वधिया गल है कि एक माँ प्यो का ना साया होने के बावजूद भी करण औजला जी ने इन्नी अपनी लाइफ के स्ट्रगल की है, बहुत कमाल लगा। बाकी इस बारी जो उन्होंने न्यू एल्बम आई है बा कमाल नैक्सट लैवल, गैंगस्टा गैंगस्टा बहुत प्यारा लगा सौग। तो ओ जी ब्रदर वीर फुल एल्बम से रिव्यू लैके आ रहे हैं, उन्होंने वो तो सपोर्ट करो, वीर के चैनल सबसक्राइब करो वो तो क्योंकि वीर के अगे भी बड़े चैनल सन, क्योंकि कई ने स्ट्राइक मारन के कारण उन्होंने चैनल बंद हो चुके सन। सो वीर नू बहुत सपोर्ट की भी लोड़ है आप सारिया की, आप सारे सपोर्ट करो ते आप जी सारे दसो कमेंट बॉक्स दे विच कि आप सारिया नू केड़ा सौंग लगा। मैनू तो गैंगस्टर सौंग बहुत प्यारा लगा, बाकी सारे सौंग एंडलैस है क्योंकि करण औजला जी की जो लिखत है वो बहुत कमाल है, क्योंकि वो क्यों, क्योंकि है ही गीतां दी मशीन एंडलैस। सो सत श्री अकाल, धन्यवाद, बाय बाय। क्या बात है, थैंक यू ब्रदर, तुम मेरे लिए इन्ने वधिया शब्द बोले एंड चैनल तो मेरे ऑलरेडी दो तीन स्ट्राइकां पैके उड़ी गए थे, बट चलो कोई ना, लाइफ है यार बहुत कुछ हुंदा। सो वीडियो तुम एक चीज़ नोटिस की होने, सारे ज़्यादा ट्रैक गेम ओवर पसंद आया एंड मे बी गेम ओवर की वीडियो जल्दी आने वाली है, जो ही गेम ओवर की वीडियो आँदी आ मैनू लगता वो मोस्ट हाइप ट्रैक बन सकता है सीपी का। सो गेम ओवर इज आलसो अ लिट ट्रैक। सो हुण आपां मूव ऑन करदे आ जिहड़े दो ट्रैकां ते सारयां ने घट ध्यान दिता, दे नो ते अनरीचेबल। अनरीचेबल बेस्ट कलैबरेशन आ जे पंजाबी इंडस्ट्री विच किसे DHH दे रैपर ने कलैब कीती आ, बिकॉज करण औजले नाल पिछे कृष्णा ने भी ट्रैक कीता सी, बट वो इन्ना ग्रेट साउंड नहीं कर रहा है जिन्ना ग्रेट साउंड ये कलैबरेशन कर रही, मतलब सिंगर ते रैपर दा दोनों दा फोकस बिल्कुल लिरिक्स ते एंड बीट बड़ी सिक सी। सो ये ट्रैक उदा दी फीलिंग नू एक्सपोज करदा कि जदों बंदे दा लैवल एडा हो जांदा कि बंदा कह सकदा मेरी इन्नी कि एकात आ, इन्हां दी एकात विचों बाहर गोरीए। ब्रदर ओ जी हमेशा एंड करांदे होए एंड एजी औजला भी करा गया, ईपी आई आ एंड माई फेवरेट ट्रैक फ्रॉम दैट ईपी इज ये गाना। मैं अपने आप से ढुक सकता कि हाँ मैं अपने आप से गाना ला सकता कि आई एम सेल्फ मेड, मेरे को मेरी औकात ही नहीं को बन चुकी है, मैं कई औकात जो हम बाहर है उन्होंने भी सिस्टम बट इवन पूरी ईपी रिलेटेबल है यार, हर एक बंदा जेड़ा अपने आप से वर्क करता अपने काम से वर्क करता जेड़ा आप खुद बनना चाहता एंड हर बार की तरह इस बार भी औजला नाराज नहीं होने दिता, दैट्स वाई ही इज माई पर्सनल फेवरेट सिंगर। यू नो पंजाबी ट्रैप सॉन्ग होवे, पंजाबी रैप सॉन्ग होवे, पंजाबी नॉर्मल सॉन्ग होवे, हर चीज च बेस्ट आ, चाहे बीट सॉन्ग होवे चाहे सैड सॉन्ग होवे, एको आवाज आउंदी कि करण औजला गीता दी मशीन। सो द लास्ट वन सॉन्ग इज देनो, यार ये गाने च लिटरली कितना कितने इदा लग रहा है, काफ़ी रिप्लाई किए गए बट करण औजले ने इस गाने विच दस्या कि देनो कुड़े किन्नी कि चढ़ाई तेरे यार दी। इस गाने विच अपनी एक कैंट फीलिंग नू एक्सपोज किया गया, पंजाबियों हुंदी है ना वो गलबात कि साले मैनू जानदे ही आ, वो वाली फीलिंग नू एक्सपोज किया गया। सो काफ़ी लोगों को ईपी इस करके नहीं पसंद आई क्योंकि उन्होंने इको वार सुन ली ईपी नू, जे तुसीं कल्ले बह के एक एक ट्रैक नू ध्यान नाल सुनोगे ना मे बी ईपी थोनू चंगी तरह समझ आऊगी एंड ईपी थोड़ी वन ऑफ द फेवरेट ईपी बन सकदी आ, बिकॉज
प्रॉपर ईपी आ, मैनू नहीं लग्या सारी ईपी दे विच किसी भी चीज़ की कोई कमी रहिंदी सी। सो एट द एंड जे असीं ईपी नूं रिव्यू करना होवे स्टार दे के मैं 5 चों 5 दूंगा, एंड जे गल 10 स्टारां दी होगी तो मैं 10 चों 10 दूंगा, बिकॉज मैनू नहीं लगता किसी भी चीज़ की कमी सी। हर चीज़ नूं ध्यान रख के बड़े ही घैंट तरीके नाल बनाया गया, एंड मेरी हुण तक दी वन ऑफ द बेस्ट ईपी आ जिहड़ियां मैं हुण तक सुनिया। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस ईपी, आपां वीडियो नूं करदे आ एंड आई होप तुहानूं इह वीडियो वधिया लगी होगी। एक छोटी जी कोशिश की आ सारिआं नूं इक्को वीडियो च लिया के रिव्यू करन दी, किसी सिंगर की लेटैसट एल्बम आई होए उहदे ते असीं इदां दा रिव्यू बना सकदे आ। सो मिलदे आपां बहुत जल्द, कीप लविंग कीप वाचिंग ब्रदर ओजी।